सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल में, और जस्ट मैं इस वक्त मेट्रो से बाहर आया। मेरे पीछे आप मेट्रो स्टेशन देख रहे होंगे, एंड इस वक्त बहुत खूबसूरत शाम है। थोड़ी मौसम है गर्मी, क्योंकि मंथ ही कुछ ऐसा है गाइस, और मैं इस गर्मी के मौसम में मेरा दिल किया कि आइसक्रीम खाते हैं, तो इस वजह से मैं यूनियन मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आया। ये पास नहीं है, और यहाँ से बड़ी खूबसूरत यादें भी जुड़ी है, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं इधर ही रहता था गाइस। ये देख रहे हैं ब्रिज, उस तरफ क्रॉस करके वो जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग में छोड़ के, यहाँ पे ही मेरी फैमिली के साथ मैं यहाँ रहा करता था तकरीबन हाफ एन किया। शाम इंजॉय कर रहे हैं, सामने बस स्टॉप देख रहे हैं जहाँ पे लोग वेट करते हैं अपने बस के लिए। डिफरेंट एरियाज़ के लिए बस यहाँ से मिल जाता है, मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद वो सामने आप जो देख रहे हैं वो एक मॉल है, अल गुरैर मॉल। आई थिंक ये दुबई का फर्स्ट मॉल था, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। तो वैसे इसमें अभी जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने सोचा आपके साथ एक खूबसूरत शाम का नज़ारा इस एरिया, इस लोकेलिटी का शेयर करूँ। ये आप देखें छोटे से पार्क टाइप का दिख रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो गाइस, ये एक छोटी छोटी मशीनें हर जगह आपको दिख जाएगी, ये जस्ट रिचार्ज करने के लिए। आप नॉट ओनली टेलीफोन बल्कि और भी चीज़ें आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दो कंपनियाँ डू एंड इति सलात का है, और इसके अलावा आईट्यून्स और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, इवन इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के भी रिचार्ज हो जाते हैं। और ये शॉप्स हैं ईरानियन स्वीट, यहाँ पे मैंने एक बार स्वीट लिया था, खाया था। एंड लेट्स गो, मूव करते हैं उस तरफ जाते हैं। सिग्नल क्रॉस, गाइस पहुँच गए, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली ये ऑर्डर हो चुका है, एंड यहाँ पे वेटिंग टाइम है कुछ देर का, यहाँ पे बैठ के आराम से वेट कर सकता हूँ। तो फिलहाल आप मेरे को देख सकते हैं जस्ट इसके अंदर, तो अभी कहीं सीट देखेंगे बैठने में। गाइस आइसक्रीम आ चुका है, आइसक्रीम आ गया मेरा। वेनीला के साथ साथ चॉकलेट इसमें डाला गया, चॉकलेट लिक्विड, और ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। बहुत दिनों के बाद ये आइसक्रीम खा रहा हूँ। गाइस जब तक मैं आइसक्रीम इंजॉय करता हूँ, उसके बाद चलेंगे फिर अल गुरैर मॉल के अंदर, एंड अपने कुछ चीज़ें वहाँ देखेंगे, शॉपिंग मुमकिन हुआ तो करेंगे। ओके, लेट्स फिनिश द आइसक्रीम। तो गाइस फिलहाल आइसक्रीम खा के मैकडॉनल्ड से निकल पड़ा हूँ, और जस्ट ऑन द वे हूँ मॉल के अंदर जा रहा हूँ। और ये स्टारबक्स भी यहाँ पे है। तो गाइस ये एंट्रेंस है द सेंटर, और ये खूबसूरत सी बिल्डिंग, तो यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये आ गया अल गुरैर सेंटर के अंदर। गाइस फर्श बड़ा खूबसूरत है, कुछ भी कहो भाई। तो वैसे इसके रूफ़ को देखो, काफ़ी खूबसूरत है। इस पार्ट में क्या है, चलिए इधर देखते हैं। तो ये क्विक मॉल के अंदर आने का प्लान बना था। सो गाइस ये सामने दिख रहा है, ये कार है, और ये शायद कुछ ऑफर में होगा। आई मीन विन ए प्रीमियम SUV विद द सेंटर, अल गुरैर सेंटर, मतलब यहाँ पे कुछ है ऑप्शन ऑफर, ये कुछ शॉपिंग करना। हाँ 8200 तो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, प्रूफ कूपन आई थिंक होगा। और ये भी एक खूबसूरत जगह है। तो गाइस जर्कीस, ये क्या है मालूम नहीं, परफ्यूम आई थिंक। तो गाइस ये है एक चाइनीज रेस्टोरेंट दिख रहा है, दिन थाई फुंग, या तो चाइनीज़ होगा या कोरियन होगा, मोस्टली चाइनीज ही होने के चांस हैं। लेट्स गो दिस साइड।
गाइस ये एक शॉप है ब्रांड फॉर लेस। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही लो कॉस्ट प्राइस में मिल जाते हैं। किसी दिन स्पेसिफिक वीडियो इस पर आके बनाऊँगा, बट आज उस प्लान से उस मूड से नहीं आया। आज जस्ट एक छोटी सी विजिट सोच कर आया था और मेरा पर्पस आज से भी खाना था। बट चलिए गाइस यहाँ से रिमूव कर ड्रेसेस। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन, आई थिंक ये सारी ड्रेसेस लेडीज शॉप ज़्यादा है। छोड़ो ये कुछ प्रोडक्ट है टोटली लेडीज रिलेटेड है। ऐसे मतलब इनके मॉल के दोनों तरफ शॉप्स है, बीच में छोटे छोटे आउटलेट्स बन रखे हैं। यहाँ पे अपने अलग अलग चीज़ें है गाइस। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम। ये मॉल का मेन एंट्रेंस है और मेन ये पूरा लॉबी है, मतलब नॉट लॉबी, मेन एरिया है। कह सकते हैं कि ये जो एंट्रेंस है सामने दिख रहा है इधर ही से पूरा हुआ है। तो गाइस फिलहाल हम चलते हैं ऊपर, वहाँ जाएंगे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। और एक बार आपको दिखा दो, 2nd फ्लोर में फूड कोर्ट है, 2-3 फ्लोर जिम, कैरीफोर सेंटर पार्ट सिनेमा 1 में है, कैरीफोर सेंटर पार्ट सिनेमा एंड B1, B2, B3 ये सब पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर में होटल है एंड रेस्टोरेंट है एंड फूड एंड पिक्चर। लेट्स गो। तो यहाँ से जाएंगे सीढ़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे खजूर की पेड़ियों से एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये पूरे मॉल को, इसके रूफ को आप देखिए पूरा ग्लास का। एंड नाउ मूव टू द ई मैक्स। तो गाइस ये एक छोटा सा ट्रिप था आज, कुछ था नहीं, मुझे कुछ प्लान नहीं था, कोई दूर जाना नहीं था। आज बहुत ज़्यादा टायर्ड था तो मैं कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा करूँ कि आपको अल गुरैर मॉल, वैसे मेरे ख्याल से मैंने पुराने ब्लॉग में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो मैंने कुछ सोचा कि आज के ब्लॉग में भी अल गुरैर मॉल काफ़ी टाइम बाद आता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। वैसे कुछ प्लान ऐसा बना कि मैंने सोचा आइसक्रीम खाऊँ और अल गुरैर मॉल के अंदर ही मैकडोनल्ड्स का शॉप है, मतलब आउटलेट है, तो वहीं खाने आ गया था। गाइस ये एक जिम है, से कर रहा था कि मैंने कुछ ऐसा प्लान किया, कल आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में जो मैं गया था, वो एक इमरेट्स एयरलाइन का ऑफिस वगैरह है वहाँ। नॉर्मली मैं बहुत पहले जाया करता था, पहले मैं उधर ही पास में ही मेरा ऑफिस हुआ करता था, तो अचानक से बहुत टाइम बाद याद आया तो मैं वहाँ चला गया। तो अभी कुछ दिनों से ब्लॉग मैं कोई ख़ास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा बहुत जल्द, बहुत स्पेशल ब्लॉग बनाऊँगा एंड वो सारी चीज़ विथ प्लान होगा। अभी थोड़ी मौसम की वजह से इतना ज़्यादा आउटसाइड एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ आपको पता है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्पेशली जून जुलाई अगस्त सितंबर से थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होगा। तो गाइस बस अपने ब्लॉग को यही करता हूँ एंड फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्द और बहुत अच्छी जगह पे, उम्मीद करता हूँ। और आप इसी तरह से सपोर्ट करें जिस तरह से अभी तक आपने किया है, और जो लोग नए हैं इस चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आपको मेरा पसंद आता है ब्लॉग तो लाइक भी करें एंड कल। अभी के लिए इतना ही है ब्लॉग में, ताकि फिर दोबारा मिलेंगे और जल्दी एक अच्छे ब्लॉग के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।